चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे मैथ्स पढ़ना। हम लोग एनसीईआरटी के 5.1 तक के क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए थे, अब हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बात है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी, दिख रहा है फिर डिफरेंशिएबिलिटी, या इसी को डिफरेंशिएबल भी पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल दोनों सेम होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। आप पहले बिल्कुल इसको लिख लेंगे और फिर समझेंगे। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस को चेक करते थे, वैसे ही अब हम लोग को सवाल मिलेगा डिफरेंशिएबल को चेक करने के लिए। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, यानी कि एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब एल एच डी आर एच डी का इक्वल होगा। अगर एल एच डी आर एच डी नहीं इक्वल हो, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि अगर किसी किसी केस में एल एच डी का वैल्यू 8 आया, आर एच डी का वैल्यू 10 आया, तो 8 और 10 तो बराबर नहीं है, इस केस में हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसे कि हम लोग पहले हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते थे, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े कि वहां पर अगर एट एक्स बराबर ए चेक करना था कि कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो वहां पे हम लोग तीन चीज निकालते थे, वीएफ निकालते थे, एलएचएल निकालते थे और आरएचएल निकालते थे। लेकिन अगर हमको सवाल बोलेगा कि आप डिफरेंशिएबल चेक करो, तो हम दो चीज निकालेंगे, एक का नाम है एलएचडी, एक का नाम है आरएचडी। एलएचडी का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आरएचडी का पूरा नाम राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो हम लोग जैसे 5.1 एक्सरसाइज में पढ़े थे कंटिन्यूअस के बारे में कि कंटिन्यूअस को कैसे चेक किया जाता है, वहां पे भी हम लोग वीएफ एलएचएल और आरएचएल निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपको दो चीज निकालना पड़ेगा, एक का नाम है एलएचडी और आरएचडी। जैसे कि वहां एलएचएल निकालने का भी तरीका होता था, लिमिट वगैरह पुट करके निकालते थे, यहाँ पे भी आपको एलएचडी का मतलब तो समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन इसका कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है जरा इसको देखिए। एलएचडी जब कभी भी निकालेंगे तो एलएचडी कैसे निकालेंगे भाई, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, क्योंकि एल है, एल मतलब लेफ्ट, उससे छोटा तो ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पर जरा फोकस कीजिएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टा माइनस एच। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पर। अगर दो पे चेक करते तो टू माइनस एच और यहां एफ ऑफ टू, अगर यहां तीन पे चेक करते तो थ्री माइनस एच माइनस एफ थ्री और नीचे में माइनस एच। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरएचडी भी वैसे ही निकालते हैं, यानी कि जैसे कि एलएचएल और आरएचएल का कुछ फार्मूला होता था, वैसे यहां भी एलएचडी का फार्मूला और आरएचडी का फार्मूला, इसमें एक ही फर्क है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिखेंगे, अगर दो पे चेक करना है तो टू प्लस, जैसा कि वहां भी हम लोग सीखे थे, यहां एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच, यहां माइनस है तो यहां प्लस, और यहां वाला माइनस याद रखिए कि माइनस ही होता है, कौन बदलता है तो एफ ए माइनस एच और एफ ए माइनस, यहां हो जाएगा प्लस और यहां नीचे वाला माइनस यहां हो जाएगा प्लस, यानी कि ए दोनों चेंज होगा एलएचडी और आरएचडी में। यानी कि कुल मिलाकर डिफरेंशिएबल को चेक करने के लिए, यानी कि जैसे कंटिन्यूअस को चेक करते थे, वैसे अब आएगा कि चेक करो, शो करो कि डिफरेंशिएबल है या शो करो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा कि डिफरेंशिएबल को किसी पॉइंट पे एट एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर पांच पे चेक करना होगा, हम लोग को दो चीजें निकालना होगा, एलएचडी और आरएचडी। लेकिन डिफरेंशिएबल को चेक करने के बजाय अगर कंटिन्यूअस को चेक करने, कंटिन्यूटी के बारे में, तो वहां तीन चीज निकालते हैं, वीएफ एलएचएल और आरएचएल। तो याद रहे एलएचडी आरएचडी को अगर इक्वल हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। अदरवाइज का मतलब अगर बराबर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एलएचडी और आरएचडी का फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे और फिर
उसके नीचे, यानी कि अभी थ्योरी में ही लिखना है, थ्योरी में उसके नीचे क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखेंगे, शो दैट एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका नाम एक्स स्क्वायर है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। चलिए अब इस सवाल को हम एक एग्जाम्पल पे लिए हुए हैं। सवाल क्या बोल रहा है, शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कितना पर, एक्स बराबर वन पे, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो दो चीज निकालेंगे एलएचडी और आरएचडी। अगर एलएचडी का वैल्यू आरएचडी के वैल्यू के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे क्या कि वो डिफरेंशिएबल हो गया। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमको दिया हुआ रहेगा सवाल में कि एक्स बराबर कितना पे चेक करना है, तो एट एक्स बराबर वन। तो अब हम लोग को तो दिखाना है डिफरेंशिएबल ना, तो यहाँ पे भी एफ एलएचएल आरएचएल नहीं चलता है, डिफरेंशिएबल में हम लोग को एलएचडी और आरएचडी चलता है। चलिए एलएचडी कैसे निकालते हैं, तो एलएचडी का फॉर्मूला क्या बताया अभी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जिस पॉइंट पे चेक करते हैं यानी कि वन पे, तो यहां होगा प्यारे छात्रों वन माइनस फिर यहाँ पे एफ एक्स। अब इसका कुछ फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हम आपको यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बट्टा माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है इसके बाद लिखा जाता है। तो अब इसको कैसे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, इसका मतलब हम एक पर चेक कर रहे थे तो यहां हो जाएगा एक माइनस एच फिर माइनस एफ ए, एफ ए का मतलब हम वन पे चेक कर रहे थे तो एफ वन बट्टा में माइनस एच तो यहां हो जाएगा माइनस एच। अच्छा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स रहता तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो वन माइनस एच है तो यहां हो जाएगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं एफ एक्स, अगर एफ टू रहता तो टू का स्क्वायर करते, अगर एफ पी रहता तो पी का स्क्वायर, वैसे ही एफ वन माइनस एच है तो वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ वन, तो जब एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ वन वन का स्क्वायर बट्टा माइनस एच। अब आप देख पा रहे होंगे कि एच के जगह पे कितना रखना है जीरो, तो एच के जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो यहां पे कितना वैल्यू होगा, या फिर वैसे नहीं तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करके और फिर पुट कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या होता है। तो वन माइनस एच स्क्वायर है, अगर इसका होल स्क्वायर पुट करेंगे यानी कि वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो हम लोग का वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा एक मिनट आगे देखते हैं, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो एच टेंस टू जीरो यहां पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी का मतलब क्या हुआ माइनस टू एच टू ए बी माइनस वन का स्क्वायर वन बट्टा माइनस एच, वन और माइनस वन कैंसिल हो गया। तो अब आगे क्या होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, अब एच और माइनस टू एच में, एच स्क्वायर और माइनस टू एच में क्या कॉमन है, तो यहां अगर हम लोग माइन एच कॉमन कर लेते हैं, एच कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एच माइनस टू, एच कॉमन करेंगे तो एच माइनस टू और नीचे बचेगा माइनस एच। ऐसा क्यों किए, क्योंकि एच और एच कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल मिलाकर लिमिट एच टेंस टू जीरो और क्या बन गया, तो एच माइनस टू बट्टा में माइनस एक, क्योंकि एच और एच तो कट गया, तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो अब एच के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो यहां पे जीरो तो यहां हो जाएगा माइनस दो बट्टा में माइनस एक यानी कि टोटल हो गया दो।
यानी कि अभी तक के। अब आप सवाल ये पूछेंगे मेरे से कि सर एच के जगह पे डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर एच के जगह पे डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो ये वन में से जीरो गया वन, वन का स्क्वायर वन, वन में से वन गया जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए अक्सर आपको दिमाग लगाना होगा, लिमिट में भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काट के ही तब एच का वैल्यू रखा जाता है। जैसे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला रख रहा था तो फार्मूला लगा देंगे और नीचे माइनस एच है माइनस एच पुट कर देंगे, फिर यहाँ वन माइनस वन कैंसिल आउट होकर एच कॉमन करके कट रहा था तो काट देंगे तब एच के जगह वैल्यू पुट करेंगे। अब वो अगर ऐसा ही अगर हम लोग आरएचडी निकालेंगे, आरएचडी में क्या चेंज करेंगे, लिमिट लिखना है x टेंड्स टू वन प्लस लिखना है तो वन प्लस कर दिए, एच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें क्या चेंज किया जाता है, एप यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, आरएचडी में दो जगह प्लस किया जाता है। तो अब यहां पे क्या होगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स रहता तो एक्स का स्क्वायर, तो वन प्लस है तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ही होता है और वन है तो वन का स्क्वायर एफ एक्स के वजह से यहां प्लस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और यहां हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन और वन कट जाएगा और नीचे हो जाता है प्लस एच है। अच्छा यहाँ क्या होगा, तो अब एच और एच में कॉमन लीजिए तो प्लस टू होगा और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है एच है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यू होगा एच प्लस टू होगा। अब एच के जगह पे जीरो रखेंगे तो आरएचडी भी मेरा क्या आएगा, एल टू आ गया आरएचडी, यानी कि आप एलएचडी अलग निकालेंगे उसके नीचे आरएचडी निकालेंगे। चूंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था इसलिए हम एलएचडी में ही सुधार कर लिए हैं, तो यहां से पता चल रहा है आप अलग अलग निकालेंगे कि एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी, दोनों इक्वल आ गया, सो इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट कितना पे, तो जितना पे चेक कर रहे हैं x बराबर वन पे डिफरेंशिएबल। यानी कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ कि एलएचडी और आरएचडी दोनों इक्वल, और एलएचडी का मतलब क्या, आरएचडी का मतलब क्या, एलएचडी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो है ही है, वो तो फुल फॉर्म है, लेकिन उसका रियल मीनिंग ये है कि कैसे हम लोग उसको, एलएचडी का फॉर्मूला क्या है तो उसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल वाला जो क्वेश्चन है हम लोग एनसीईआरटी के 5.2 में मात्र दो क्वेश्चन में मिलेगा। अब कौन कौन सा ऐसा दो क्वेश्चन है, तो चलिए अभी हम लोग अब डिफरेंशिएबल वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े डिफरेंशिएबल वाला, वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.2 में 9 नंबर और 10 नंबर यही दो वो क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएबल वाला है, और बाकी का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक वो दूसरा टॉपिक्स में यानी कि दूसरा फार्मूला पे बनेगा, वो भी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। यानी कि अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग सिर्फ एक टॉपिक्स को पढ़े हैं जिससे ये पता चला कि डिफरेंशिएबल क्या होता है। अब डिफरेंशिएबल पे कौन कौन सा सवाल बनने वाला है वो 5.2 का 9 नंबर और 10 नंबर बनेगा। चलिए देखते हैं 9 और 10। तो सबसे पहले हम लोग 9 नंबर को सवाल देखते हैं, यानी कि दो ही क्वेश्चन ऐसा है 5.2 का 9 और 10 जो डिफरेंशिएबल पे सवाल बोल रहा है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफएक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफएक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, गिवन आप सवाल देख लेंगे बुक में 5.2 का नवा क्वेश्चन। अब है कि सर 1 से 8 क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो दूसरा थ्योरी है, जब दूसरा थ्योरी पढ़ेंगे तब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नवा क्वेश्चन में गिवन हमको है एफएक्स का वैल्यू, एफएक्स का वैल्यू क्या है, तो मॉड एक्स माइनस वन का मॉड। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट या सो दैट, प्रूव दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। आप समझ रहे हैं सवाल, अब की बार क्या बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है, एफ एक्स का वैल्यू मॉड में दिया है एक्स माइनस वन,
का मॉड, मॉड का मतलब समझते हैं आप कि अगर मॉड का मतलब ये हुआ कि अगर मॉड में चार है तो उसका वैल्यू चार होगा, मॉड में माइनस तीन है तब पर भी उसका प्लस में होता है, अगर मॉड में माइनस 4.8 है तो उसका माइनस वाला का जो वैल्यू होता है मॉड में प्लस में देता है, अगर मान लिया 3.7 का मॉड है तो वो 3.7 ही होगा। यानी कि मॉड का मतलब होता है कि हमेशा आंसर जो होता है वो प्लस में करके देता है, चाहे माइनस में का मॉड रहे तब पर भी प्लस और प्लस का मॉड ऑलरेडी प्लस। तो ये मॉड का मतलब हम लोग समझ रहे थे कि मॉड क्या है। तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड में दिया है एक्स माइनस वन, और आप ध्यान रखिए इस बार हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एक्स बराबर वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल आप एलएचडी निकालिए, आरएचडी निकालिए, एलएचडी का वैल्यू आरएचडी का वैल्यू अलग अलग आ जाता है तो हम लोग को खुद प्रूव हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलिए हम लोग को ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन करते हैं एट कितना पे, एट एक्स बराबर वन पे, चल नहीं रहा बढ़िया से, चलिए तो हम लोग को चेक करना है सिंपली एट एक्स बराबर वन। अगर एक्स बराबर वन पे चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एलएचडी, चलिए हम लोग एलएचडी निकालते हैं, एलएचडी कैसे निकालते हैं भाई, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना पे चेक कर रहे हो, वन पे, तो यहां होगा वन माइनस, यहां लिखेंगे एफ एक्स। अब उसके आगे जो लिखते हैं वो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, याद रखिए लिमिट में यहां पे ए माइनस एच, तो एक पे चेक कर रहे हैं तो एक माइनस एच माइनस एफ ए, ए का मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हम वन पे चेक कर रहे हैं तो एफ वन होगा बटा माइनस एच लिखा जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो वैल्यू है यानी कि एफ एक्स रहता तो मॉड में एक्स माइनस वन लिखा जाता, तो यहां एफ वन माइनस एच है तो यहां एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि टोटली ये बात हम लोग करने वाले हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो जब एफ एक्स रहता तो मॉड में एक्स माइनस वन, तो यहां एफ वन माइनस एच है तो मॉड में क्या लिखेंगे, वन माइनस एच और फिर माइनस वन का मॉड, यानी कि जब x है तो x माइनस वन का मॉड, तो यहां वन माइनस एच है तो वन माइनस वन एच माइनस वन का मॉड, फिर माइनस तो माइनस, जब x का वैल्यू x माइनस वन है तो वन का वैल्यू क्या होगा, तो वन माइनस वन का मॉड, यानी जहां जहां x है वहां हम लोग वन रखेंगे, जहां x है वहां वन माइनस एच रखेंगे, बट्टा में क्या, तो माइनस एच। अब आप देखिए तो यहां वन और वन ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचेगा, माइनस एच, यहां क्या बचेगा, माइनस एच, तो हम लोग लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो और टोटली मिलाकर देखा जाए तो माइनस एच है, तो माइनस एच का मॉड क्या होगा, तो प्लस में एच, क्योंकि हम लोग अभी सीखे कि अगर मॉड में अगर कोई माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये मॉड के अंदर माइनस एच है तो प्लस एच हो जाएगा। अब माइनस वन में से वन गया जीरो और जीरो का मॉड क्या, जीरो, यानी कि हम डायरेक्ट एच ही लिख सकते हैं और बट्टा में क्या, माइनस एच, तो टोटल एच और एच कट गया कितना बार में, एक बार में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन होगा ना, एच से एच वन बार में ये माइनस, तो टोटली एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट तो कांस्टेंट ही हो जाता है, यानी कि एलएचडी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। अब चलिए इसी में आप हमेशा, हम आपको बोल रहे हैं कि आप एलएचडी निकालने के बाद जस्ट उसके नीचे आरएचडी निकालिए, क्योंकि मेरे पास जगह स्पेस की कमी है इसीलिए हम इसी में सुधार कर लेते हैं, और जब आप चूंकि वीडियोज देख रहे हैं तो आप उसको बीच में रोक कर पॉज करके आप एलएचडी को समझ लीजिए फिर आरएचडी को समझिए। तो हम लोग एलएचडी में चेंज करते हैं, अब आरएचडी निकालते हैं, तो आरएचडी का क्या रूल है, यहां प्लस करना ए प्लस
और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस करते हैं तो यहां हो जाएगा वन प्लस एच और नीचे वाला प्लस लिया जाता है। अब यहां के बाद जब एक्स है तो एक्स माइनस वन का मॉड, तो यहां वन प्लस एच है तो वन प्लस एच और तब जाके माइनस वन करेंगे और ये तो ठीक है, यहाँ पे ये होगा। अब वन और वन कैंसिल आउट होगा, एच का मॉड भी तो हमको एच ही पता चलेगा, एच का मॉड एच ही होगा, माइनस होगा जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, ये होगा माइनस हट जाएगा क्योंकि नीचे तो प्लस लिया जाता है आरएचडी में। अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक मरतबा कटा तो यहां हो गया प्लस में एक, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एलएचडी का वैल्यू आएगा माइनस वन और आरएचडी का वैल्यू आएगा प्लस वन। तो यहां से आपको क्या पता चला, हियर एलएचडी का वैल्यू नॉट इक्वल आया आरएचडी का वैल्यू, यानी कि एलएचडी में तो माइनस वन आया था, आरएचडी में प्लस वन आया था, तो दोनों अनइक्वल हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कितना पे भाई, तो एट एक्स बराबर वन, और ये प्रूव्ड जरूर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे पीछे उसके नीचे प्रूव करने वाले सवाल में या शो करने वाले सवाल में प्रूव्ड नहीं लिखते हैं, तो ये अच्छा लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि अगर सवाल बोल रहा है कि आप प्रूफ करो या शो करो तो उसके नीचे शोड या प्रूव्ड लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम लोग को सवाल में बोल रहा था कि प्रूफ करो कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये आ गया नॉट डिफरेंशिएबल, प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर हम आपको सवाल बता देते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल सही, यानी कि एक जी एक्स एफ एक्स का वैल्यू है एक्स, और याद रहे ये क्या है, तो जी आई एफ है, जी आई एफ के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसी में दो सवाल है, आपको सवाल यही बोल रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है किस किस पॉइंट पे, तो एक्स बराबर वन पे एंड एक्स बराबर टू पे, यानी कि एक्स बराबर वन पे भी आपको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है, एक्स बराबर टू पे भी आपको डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है। चलिए तो हम अभी आपको क्या करने वाले हैं, 10 नंबर जो क्वेश्चन है उस 10 नंबर वाले क्वेश्चन को में दो सवाल है, क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में हमको जो दो सवाल है उसको क्या करना है, दोनों को दोनों पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो हम आपको एक पर करके दिखा रहे हैं और आप उसको दो पर करके सॉल्यूशन करके मेरे को भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए 5.2 में दो ही ऐसा क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएबल वाला है, यानी कि एलएचडी और आरएचडी को लेकर बनेगा, वो सवाल दो तो है 9 नंबर और 10 नंबर, तो 9 नंबर को तो हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे या फिर उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 10 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। 10 गिवन, सवाल हमें बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है भाई, तो जी आई एफ ऑफ एक्स, और जी आई एफ के बारे में फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जी आई एफ का मतलब होता है कि अगर 2.4 का जी आई एफ तो इससे छोटा यानी कि 2 हो जाता है, इसका वैल्यू 2, अगर मान लिया 4 का जी आई एफ तो 4 होगा, यानी कि अगर पॉइंट में नहीं रहेगा तो उसका जी आई एफ खुद ही होता है। अब जीआईएफ कैसे समझेंगे, तो सवाल में लिखा हुआ रहता है, ब्रैकेट के जगह पे लिखा रहता है कि ये जीआईएफ है, जीआईएफ का फुल फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे, जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, आई का मतलब होता है इंटीजर और एफ का मतलब होता है फंक्शन, तो जीआईएफ के ये पूरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मान लिया कि अगर 4.9 का अगर हमको देखना पड़े तो 4.9 का जी आई एफ कितना होगा, अगर पॉइंट में रहता है तो उसका पॉइंट का बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका भी आंसर 4 होगा। अगर 0.8 रहेगा, इसका कोई जी आई एफ निकालने के लिए बोलेगा तो पॉइंट के बाद का वैल्यू इसमें नहीं होता है, इसका वैल्यू 0। अगर मान लिया कि 0 का जी आई एफ कितना होगा, तो 0 तो पॉइंट में नहीं है इसलिए 0 का 0 जी आई एफ बनेगा,
यानी कि अगर हमको मिलेगा 11.4 का जीआईएफ, तो पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसका जीआईएफ 11 होगा। अगर मान लिया 2.68 रहेगा तब जीआईएफ कितना होगा, तो पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं होता है तो इसका जीआईएफ 2 बनेगा। अगर सिर्फ 2 रहता तो 2 का जीआईएफ सिर्फ 2 बनता। तो जीआईएफ का मीनिंग हम लोग समझ गए कि जीआईएफ क्या होता है। अब चलिए अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले कि एफएक्स का जो वैल्यू है वो जीआईएफ में एक्स है, और जीआईएफ का मतलब तो समझ रहे हैं कि क्या होता है। अब इसमें हमको दो सवाल दिया है, यानी कि एक्स बराबर एक बोल रहा है वन पे चेक करना है और एक्स बराबर टू पे चेक करना है। और याद रहे दो कि हम लोग को जो चेक करना ही नहीं है, सो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा का मतलब क्या है कि एलएचडी और आरएचडी इक्वल नहीं होगा, यानी कि हम लोग को यहां पे प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, इट इज नॉट DIFF का मतलब डिफरेंशियबल, इसको पूरा लिख लीजिएगा मीनिंग, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर वन एंड एक्स बराबर टू। तो प्यारे छात्रों, जो हम लोग को ये फंक्शन दिया है, हम लोग का सवाल बिल्कुल यहां पे झलक रहा है कि यहां पे दो सवाल है। एक्स बराबर वन पे हम लोग को प्रूफ करना है कि डिफरेंशियबल नहीं होगा, और दो पे भी चेक करना है कि डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो हम इसका एक पार्ट को सॉल्यूशन करने वाले हैं, दूसरा पार्ट आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसी के नीचे इसका बनाएंगे, हम पहले इसका बना रहे हैं। तो लिखिएगा एट एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन पे कैसे निकालेंगे भाई, तो एलएचडी क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना पे चेक कर रहे हैं, वन पे, तो यहां लिखेंगे वन माइनस, यहां होगा एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो। जब h टेंस टू जीरो हो गया तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ a माइनस h, तो एक पे चेक कर रहे हैं तो एक माइनस h, यहां दो पे चेक करेंगे तो यहां हो जाएगा दो माइनस h एलएचडी के लिए, माइनस f ऑफ वन पे चेक कर रहे हैं तो वन बटा माइनस h। अब आगे लिखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। अब fx का मतलब क्या कि x का जीआईएफ, तो यहां अगर हम लोग लिखेंगे तो वन माइनस एच का जीआईएफ माइनस सिर्फ वन का जीआईएफ बटा माइनस एच। अब जरा बताइए कि लिमिट, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो वन माइनस एच का जो जीआईएफ बनेगा वन से छोटा है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे क्या होगा, तो वन में से अगर एच, वन माइनस एच का मतलब हुआ वन में से थोड़ा सा भी कुछ घटेगा 0.9, तो उसका जीआईएफ तो जीरो बनेगा, इसलिए इसके जगह पे जीरो माइनस वन का जीआईएफ वन बटा में माइनस एच। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग अगर लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच, अब एच के जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो लिमिट वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो का मतलब अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित आ गया, यानी कि जब एलएचडी निकाले तो अपरिभाषित आया। उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे आरएचडी, तो आरएचडी निकालने के लिए वन प्लस करेंगे तो यहां हो जाएगा वन प्लस, और यहां हो जाएगा प्लस एच। अब आप बताइए कि वन प्लस एच का मतलब क्या हुआ, वन प्लस का एच का मतलब हुआ कि वन से थोड़ा सा ज्यादा। अब वन में 1.2 का जीआईएफ क्या होगा, तो बिल्कुल वन होगा, तो वन से ज्यादा का जो जीआईएफ होगा वो यहां पे लिखेंगे वन, और माइनस वन का जीआईएफ तो वन, और नीचे क्या होगा तो प्लस में एच। अब बताइए, तो वन में से वन गया तो कितना बचा, जीरो, और बटा में एच। अब बताइए कि लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो, और जीरो का लिमिट कितना, जीरो। तो आपको पता है कि LHD जब हम लोग निकाले तो अनडिफाइंड आया, मतलब अपरिभाषित आया, लेकिन जब RHD निकाले तो जीरो आया,
इसलिए यहां पे लिखिएगा हियर एलएचडी डज नॉट इक्वल आरएचडी, आरएचडी ये तो हो गया, इसलिए लिखिएगा इट इज नॉट डिफरेंसिएबल एट एक्स बराबर वन। तो हम वन पर चेक करके दिखा दिए हैं, आप वैसे ही दो पर चेक करके और फिर आंसर भेजिए कि डिफरेंसिएबल या फिर आपका चेक करने का तरीका आप कैसे एलएचडी निकाल रहे हैं, कैसे आरएचडी निकाल रहे हैं, तो क्लियर होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले दिन आगे, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है और अभी थ्योरी बच रहा है, तो हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो फिर अगले दिन बात करते हैं। धन्यवाद।